जबलपुर सरकारी गैस बनी सोपीस, धुएं में पक रहा है मध्यान्ह भोजन। दर्शनी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों का मध्यान्ह भोजन लकड़ी द्वारा मिट्टी के चूल्हे में बनाया जा रहा है, जिसका धुआं समीप में लगे बच्चों की क्लास तक जाने से बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क पड़ता है। गौरतलब है कि सरकार ने सभी स्कूलों में चल रहे मध्यान्ह भोजन के लिए गैस चूल्हे उपलब्ध कराए थे, ताकि बच्चे कच्चे चूल्हे में लकड़ी से खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं से होने वाले नुकसान से बच सके और खाना बनाने वालों की सुरक्षा हो सके। जबलपुर से पवन यादव की रिपोर्ट। टमाटर तो पता चलता है, पोल होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।